नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती, सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि, राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर भी रहे मौजूद। 2025 मैट्रिक परीक्षा में व्यावसायिक ट्रेड अनिवार्य, बोर्ड ने डमी एडमिट कार्ड जांच करने के दिए निर्देश, 5 दिसंबर तक गड़बड़ी सुधारने की अंतिम तारीख। रोजगार मेले में नौकरी करने वाले दे ध्यान, अब आपके साथ नहीं होगा धोखाधड़ी, कम वेतन देने वाली कंपनी से निपटेगा श्रम विभाग। बिहार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बनाया नया रिकॉर्ड, बिहार का टीकाकरण अभियान देश भर में टॉप पर, स्वास्थ्य मंत्री ने सफलता पर जताई खुशी। और गौतम गंभीर वापस ऑस्ट्रेलिया लौटे, पिंक बॉल टेस्ट के लिए टीम से जुड़ेंगे, पिंक बॉल टेस्ट 6 दिसंबर से एडिलेड में। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय के अनुसार राज्य में पर्यटन नीति 2023 के तहत अब सभी परमंडल स्तर पर निवेश कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि राज्य में पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को और बढ़ावा मिल सके। इन कार्यशालाओं में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायी समूहों को पर्यटन नीति के लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस नीति के तहत 30% तक सब्सिडी देने की योजना भी है। पिछले साल करीब 8 करोड़ 21 लाख पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया था। राज्य सरकार इस कदम से न सिर्फ पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। बिहार बोर्ड ने 2025 की मैट्रिक परीक्षा में व्यावसायिक ट्रेड से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य के चिन्हित विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वे किसी एक व्यावसायिक ट्रेड में परीक्षा में शामिल हों। बिहार बोर्ड ने 2025 की मैट्रिक परीक्षा में व्यावसायिक ट्रेड से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य के चिन्हित विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे किसी एक व्यावसायिक ट्रेड में परीक्षा में शामिल हो। हालांकि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन ट्रेडों में मिलने वाले अंक से छात्र के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर छात्र इस परीक्षा में फेल होते हैं तो उनके मुख्य परीक्षा के परिणाम पर इसका कोई असर नहीं होगा। बोर्ड ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डमी एडमिट कार्ड की जांच करते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के एडमिट कार्ड पर संबंधित व्यावसायिक ट्रेड का नाम अंकित हो। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो इसे 5 दिसंबर तक सही कर लिया जाए। इधर पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को जान का खतरा नहीं है। कोर्ट ने रंजन कुमार मंडल की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि एक रिटायर्ड फौजी का लाइसेंस आवेदन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत करना केंद्र सरकार की नई शस्त्र नियमावली 2016 के खिलाफ है। रंजन कुमार मंडल ने पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सशस्त्र अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक के पेशे और सुरक्षा की जरूरतों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। नालंदा जिले के युवा क्रिकेटर लक्ष्य प्रकाश का विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए बिहार अंडर 16 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। ये न केवल लक्ष्य के लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का पल है। लक्ष्य ने अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत केवल 8 साल की उम्र में की थी और आज अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर वे बिहार टीम का हिस्सा बने हैं। अपने कोच गजेंद्र रावत और परवेज मुस्तफा के मार्गदर्शन में उन्होंने कड़ी मेहनत की और गत वर्ष श्यामल सिन्हा अंडर 16 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर ये मुकाम हासिल किया है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी का पहला मैच 6 से 8 दिसंबर तक उड़ीसा के कटक में खेला जाएगा और लक्ष्य प्रकाश टीम के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। यह एडमिट कार्ड अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन जो है 13 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में करीब 4.83 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में सबसे बड़ी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा है, जिसमें आयोग ने 1957 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2035 कर दिया गया। इस बार परीक्षा में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। प्रश्नों के 4 अलग अलग सेट होंगे, जिनमें हर सेट का रंग भी अलग होगा।
अलावा ये परीक्षा जिलावार बदलाव के साथ भी हो सकती है। इसके अलावा नियुक्ति में 50% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा और परीक्षा पुराने आरक्षण रोस्टर पर ही आयोजित की जाएगी। बिहार ने टीकाकरण के मामले में पूरे देश में नंबर एक स्थान प्राप्त किया है। बिहार शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में अग्रणी साबित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई और कहा कि यूविन पोर्टल के माध्यम से बिहार ने सबसे अधिक संख्या में शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को टीके दिए हैं। यूविन पोर्टल कोविड-19 वैक्सीनेशन की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य टीकाकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और डिजिटल रिकॉर्ड रखना है। ये पोर्टल 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए 12 टीका निवारणीय रोगों का रिकॉर्ड भी रखता है, जिससे टीके के कार्ड या दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रम संसाधन विभाग ने रोजगार मेलों में नौकरी पाने वाले युवाओं के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि कोई कंपनी युवाओं को कम वेतन देती है या अधिक काम लेती है तो उनकी श्रम विभाग से संबद्धता रद्द कर दी जाएगी। ये कदम युवाओं का दूसरे राज्यों में शोषण रोकने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा विभाग अब नौकरी पाने वाले से फीडबैक लेगा, जिससे आने वाले रोजगार मेलों में नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। वही कुछ कंपनियों द्वारा नौकरी पाने के बाद युवाओं को बाहर करने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया है और ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी ब्लॉक में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारी का नाम जसपाल कुमार है, जो दाखिल खारिज के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। निगरानी विभाग को इस मामले की जानकारी मिली और फिर उनके द्वारा जाल बिछाकर कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इससे पहले भी कुछ महीने पहले निगरानी विभाग ने कुढ़नी ब्लॉक के तत्कालीन सीओ पंकज कुमार को भी 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। अब एक बार फिर विभाग की कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर सड़क हादसों में बढ़ोतरी से परिवहन विभाग की नींद टूट गई है। जांच में ये बात सामने आई है कि 90% दुर्घटनाएं जो है ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। इसके मद्देनजर विभाग ने दोनों सड़कों पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने का फैसला लिया है। इस कड़ी में ट्रैफिक पुलिस भी सजग हो गई है। ट्रैफिक एसपी के जवान अब स्पीडोमीटर के साथ अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर गश्त करेंगे। अगर कोई वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा से अधिक गति में पाया जाता है तो उसे 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वही बार बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बिहार में साइबर धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक 320 से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं, जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। 10.5 करोड़ रुपए में से महज 1.5 करोड़ रुपए को साइबर ठगों से बचाया जा सका है। राज्य के सभी 40 साइबर थानों में अब तक 9,000 से ज्यादा साइबर अपराध के मामले दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में एटीएम के जरिए धोखाधड़ी, फोन पर पासवर्ड मांगने जैसे मामले प्रमुख हैं। लेकिन इस बार डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले साल की तुलना में 8 से 10 गुना बढ़ गए। अगर कभी भी किसी अनजान नंबर से आपको कॉल आए तो उसे उठाने से बचिए और किसी भी मैसेज का जवाब ना दें। यदि कोई संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत 1930 पर सूचना दें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती के अवसर पर राजेंद्र चौक स्थित उनके प्रतिमा पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने स्वदेशी कंबल आश्रम में चरखा चला रही महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया और उनकी मेहनत का सम्मान किया। समारोह के अंत में राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजेंद्र घाट समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की परीक्षा में पेपर लीक की आशंका के बाद बिहार सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इस घोटाले के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में हर परीक्षा में सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया का हाथ है और कहा कि इस बार भी मुख्यमंत्री के गृह जिले से इस घोटाले के तार जुड़ते हैं।
तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब तक नीतीश भाजपा सरकार सत्ता में है तब तक बिहार में किसी भी परीक्षा को पारदर्शी और कदाचार मुक्त करार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या कभी मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के बारे में बोला है। उनका आरोप है कि इन लीक की साजिशों के पीछे सत्ता के करीबी लोग शामिल हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने ट्रेन टिकट टेपरिंग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोकल टिकटों में टेपरिंग कर उन्हें लंबी दूरी के टिकट में बदल देता था और फिर इन्हें भोली भाली जनता को बेचकर भारी रकम कमाता था। पटना में की गई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपियों का तरीका बेहद चालाक था। वे व्यस्त जंक्शनों से कम दूरी के टिकट खरीद कर उन्हें लंबी दूरी के टिकट में बदल देते थे। पुलिस इस गिरोह के और सदस्यों की तलाश कर रही है। कुमार इंस्पेक्टर मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने कहा कि पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आ रहे 50% से अधिक युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी नहीं है। इसकी वजह से टेस्ट में बड़ी संख्या में युवा फेल हो रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से ली जाने वाली ड्राइविंग टेस्ट में 45% युवा सफल नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 6 महीनों में 5,543 युवाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया, जिनमें से करीब आधे युवाओं को असफलता का सामना करना पड़ा। जिला परिवहन कार्यालय ने इन युवाओं से अपील की है कि वे दोबारा टेस्ट की तैयारी करें और ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। पटना के एडिशनल डीटीओ पिंकू कुमार का कहना है कि जब तक युवाओं को ट्रैफिक नियमों की बुनियादी जानकारी नहीं होगी तब तक उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। पर्थ टेस्ट मैच में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अब भारत लौट आए हैं। निजी कारणों से उन्होंने कुछ समय के लिए टीम से दूरी बनाई थी, लेकिन अब एक नई खबर आ रही है कि गौतम गंभीर ने वापस ऑस्ट्रेलिया का रुख किया है और वे आगामी पिंक बॉल टेस्ट के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने हाल ही में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 11 के खिलाफ 2 दिन का अभ्यास मैच खेला, जो गुलाबी गेंद से खेला गया था। इस मैच में गौतम गंभीर अनुपस्थित थे, लेकिन टीम इंडिया ने इस मैच को अपनी शानदार खेल से अपने नाम किया। अब टीम को अगले टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। आखिरकार भारत के लिए एक नई चुनौती सामने है। 6 दिसंबर से एडिलेड में होने वाला पिंक बॉल टेस्ट अहम होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, गौतम कुमार सिंघानिया, उमेश ऋषिदेव, पद्माकर चौधरी, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, सानवी गुप्ता, रंजीत मिश्रा, परमिला कुमारी, योगेंद्र पासवान, छोटू रजा, राजकिशोर महतो, मनोज कुमार, अरुण राम, खैरुन निशा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राहुल टाइगर, रविशंकर शाह, सिफोन कुमार, मोहम्मद इरफान, नौसाद रजा, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या ऐसा कोई सपना है जिसे आप अब तक पूरा नहीं कर पाए लेकिन भविष्य में जरूर पूरा करना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।